काफी लोग सोच रहे होने कि ईशान भाई आप क्या बोलते हैं अकेले रहते हो क्या, ऐसा नहीं है। तड़का लग रहा है बढ़िया वाला और भाई सबने चढ़ा दी है। यो व्हाट्स अप एवरीवन, सो वेलकम टू द अनदर व्लॉग डे 4 ऑफ द चैलेंज। तो अभी मेरे को उठने को काफ़ी लेट हो गया था, अभी उठा ही था बस। तो उठने को लेट रात का रीज़न ये था, मतलब हर दिन में कोई ना कोई रीज़न होता है। रात का रीज़न ये था कि 3 बजे तक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था और जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ इस वक्त, तो काफ़ी हाइप थी यहाँ पे भी, बट जितनी इंडिया में थी उतनी नहीं थी बट थी। और इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, होप अगली बार। टीम अच्छी थी वैसे, सब कुछ अच्छा था, वेल परफॉर्म, कोई मैच हारे नहीं, सब कुछ सही था। मतलब इस बारे में ज़्यादा बात ना करें क्योंकि दुख तो सबको है, मेरे को भी है। और आज बस यही है और शाम को जाएंगे जिम, रात को 9 बजे सोचा मैंने। तब तक मैं अपनी घर की थोड़ी सेटिंग कर लूँ, साफ़ सफाई पूरा मैसी हो रखा है रूम भी, और साफ़ सफाई करके अपना खाना खुना बनाएंगे, अच्छा कुछ खाएंगे और देखूँगा बाहर का चक्कर लगता है। तो पीछे व्यू बढ़िया है, जरा बताना जरा कमेंट सेक्शन में क्या सिस्टम है। फिर विंडो बढ़िया है वैसे पीछे की, मेरे को ये अच्छा लगता है यहाँ से व्यू। रात को आलू और ये चने बनाने की कोशिश की मैंने, सूखे सूखे ड्राई, बट घी में बना रहा था और जैसे ही बनाने लगा 2 मिनट के लिए इधर से उधर गया और ये जल गया। इसमें क्या चक्कर हो गया कि मतलब वो पता नहीं इवेपोरेट हो गया, बड़ा ज़्यादा धुआं उड़ने लगा। और हालांकि मैंने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था, खिड़कियाँ खुड़कियाँ भी खुली थी सारी, बट यहाँ पे एक फायर अलार्म है तो ये बहुत ज़ोर से बीप करने लग गया रात को 2:30 बजे के अराउंड। और क्योंकि मैं मैच देखने में बिजी था और ये पूरी ज़ोर से बोल रहा, फिर मैंने सोचा था कि चल कोई नहीं सुबह ए सी टी लगाऊंगा। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया। अब मैं बताता हूँ कि जो भी जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो घर पर खाना क्यों बनाते, भाई सीटी लगाते लगवाने चनों को और कुकर की हालत देख सकते हैं, ये सारे जगह छिट्टे उड़े हैं। नीचे का तो मैंने साफ कर दिया था, पोछा लगा दिया था, बर्तन बड़े हैं, इस सर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका इतना बड़ा प्रोसेस है, अभी ये कुकर धोना पड़ेगा पूरा, इससे अच्छा तो बाहर खा लो, वही दिक्कत होती है। अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़्यादातर लड़के अवॉइड करते हैं कि घर पर खाना बनाएं, कुकर की हालत देखो। ओह माय गॉड, काफ़ी लोग सोच रहे होने कि ईशान भाई आप क्या बोलते हैं अकेले रहते हो क्या, ऐसा नहीं है। आज हमारे रोहित का छोटा भाई है, ये रोहित का कज़न, जो आपने दूसरे व्लॉग में देखा होगा, रोहित भाई से हुई थी मुलाकात जिम में। रोहित भाई भी हमारे साथ ही रहते हैं, मतलब मूव हो गए पिछले हफ्ते, और आज ये अपना भाई रोहित भाई से 8 साल छोटा है आर्यन, सामान छोड़ने आया अपना। और बढ़िया घर का नज़ारा, पीछे भी आस पड़ोस अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, शांति काफ़ी। सिटी में भी रह सकते थे हम, पहले सिटी में रहता था मैं ब्लैक टाउन में, मतलब अपार्टमेंट था 16th फ्लोर पे, फिर मैं यहाँ मूव हो गया था नए घर में। यहाँ बढ़िया सिस्टम, इसका होम टूर जल्द ही मिलेगा, बाकी यही है। देखिए बैग भी नहीं है लड़कों के पास, व्हाट अ शेमफुल एक्ट, ओह माय गॉड। तो जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी बसड़ मची यहाँ पे, वो जो छिट्टे उड़े हुए थे मैंने बताया इसके कुकर के, तो आलू जो रात के मैंने मैश करके रखे, मतलब बॉयल करके रखे हुए थे, और तड़का लग रहा है बढ़िया वाला और भाई सबने चढ़ा दी है। पीछे हमारे रोहित भाई भी आ गए टाइम से ही अपने अरे ज़्यादा रोला ना डाल, अपना यूनि गए थे और ये लैपटॉप खोल के बैठे हैं अपने भाई, कुछ ऑफिस का पता नहीं काम कर रहे हैं, तो मेरे को एक एक्साइटमेंट देके जा रहे हैं ये, देखते हैं अगर मैं कर पाता हूँ पूरी। भाई को भी थोड़ा काम है तो वहाँ जाएंगे और उतने देर हम खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और असाइनमेंट का देखता हूँ मैं, थोड़ा ओवरव्यू लूँगा और एक दो और काम है मेरे को वो देखता हूँ। तो वो सब एवरीवन, रात के हो गए हैं 10:30 और तुम्हारा भाई हो गया है जिम के लिए रेडी। खिड़की से मैं प्यारी है यार, पीछे अपना क्या बोल रहा था मैं, जिम के लिए तुम्हारा भाई रेडी हो गया है और फ्रंट कैमरे से कैसे दिखाऊँ, और ये तुम्हारा भाई रेडी हो गया है जिम के लिए। ब्लैक कपड़े थोड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, तो मैं इसलिए ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनता हूँ। बाकी जिम जाएंगे, और सॉरी जिम जाने से पहले एक बात भूल गया बताना, मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेके आया था, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता बट अपनी अपनी चॉइस है, मतलब बॉडी ठीक रहती है इससे, मल्टी विटामिन्स लेने चाहिए रोज़,
और जिम जाने से पहले कोई भी केटीन पाउडर ले आओ, जो भी तुम्हें अच्छा लगे केटीन। और मतलब ये डेली बेसिस में अगर तुम खाओ तो तुम्हारे जो भी बाल वगैरह हैं, और ये फिश ऑयल ले कह रहा हूँ, तो अगर डेली बेसिस में तुम ये चीज़ें कंज्यूम करते हो तो ठीक रहती हैं। मतलब इनके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सप्लीमेंट्स। मल्टीविटामिंस कोई भी मतलब ब्रांड के हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। मल्टीविटामिंस दिन का एक गोली खाना चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी ठीक फंक्शन करती रहे और विटामिन्स तुम्हारे मजबूत रहें। और फिश ऑयल आँखों के लिए और बाल बूलों के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। जो लोग सोच रहे होंगे भाई ईशान भाई पैदल चलते हैं हमेशा, मतलब मैं इसलिए जाता हूँ कि यही 5 मिनट की दूरी पे ही है, बट कई आर्यन जैसे लोग भी होते हैं सुख सुविधा के साथ चलते हैं। मेरा भाई भी ऐसा ही है, मेरा बड़ा भाई है वो भी ऐसा ही है, सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। घर से 2 मिनट की दूरी पे भी जाना हो तो गाड़ी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट और यही था, अभी जिम जाएंगे, चिल मारेंगे जिम में, चिल नहीं मारेंगे मतलब कसरत करेंगे थोड़ी। और दाढ़ी मैंने आज ट्रिम करी नहीं क्योंकि थोड़ी अच्छी लग रही है, सूट कर रही है। 2-3 लोगों ने बोला मेरे को भाई जितनी ग्रो हो जाए, नहा धो के निकलें घर से, बढ़िया लगता भाई। आ जा हूँ गताए भी, चल पा छेती। काफ़ी सुहाना मौसम, चांद छिपा बादल में, और ये हमारे ओरन पार्क का पोडियम। और ये छोटा बच्चा उम्र में बड़ा बनता है, शक्ल से छोटा बच्चा है। जिम जाएंगे, इसने भी वैसे एज में मेरे से छोटा है बट इसने भी मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा कि भाई आपको जिम जाना चाहिए। और इसका भी ऐसा ही है रोहित की तरह कि चाहे बारिश होता है तूफान हो जिम जाएगा, लड़का तो जाएगा जाएगा। हूँ तेन ज़्यादा तोड़ पैगी तो फिर मिलते हैं जिम में। तो भाई सक्सेसफुली day 4 भी फिनिश हो गया है और काफ़ी अच्छा सा था आज भी, मारने आया था ट्राइसेप्स और लेग्स मार के जा रहा हूँ क्योंकि लेग्स मैं टालता रहता हूँ, और पर लेग्स मारना बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने बोला था, लोअर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो और ये ब्लॉग बड़ा ज़्यादा लंबा हो गया शायद से, तो आज का सेशन भी यहीं पे फिनिश होता है। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।